सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बिहार में अगर तेजस्वी की कुर्सी गई तो लालू ने वैकल्पिक इंतजाम किया हुआ है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की नई उप मुख्यमंत्री हो सकती हैं। कुछ दूसरे आरजेडी मंत्रियों का कद भी बढ़ सकता है। इनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम सबसे ऊपर है। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री आलोक मेहता भी शामिल हैं जिनका नाम सबसे ऊपर है। उनको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। नए चेहरे के रूप में मुद्रिका यादव को भी नीतीश कैबिनेट में जगह दिलाई जा सकती है। यानी अगर महागठबंधन में थोड़ी बहुत उथल पुथल होती है तो आरजेडी की तरफ से ये एक बड़ा फेरबदल किया जाएगा। लालू की बेटी है रोहिणी आचार्य, हालांकि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये बन सकती हैं बिहार में डिप्टी सीएम अगर कुर्सी जाती है तेजस्वी यादव की। हालांकि जिस तरह से आज तेजस्वी यादव नीतीश कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले, बौखलाए हुए थे, उनके सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया पर हमला किया, उसके हवाले से तो इस बात की जानकारी निकाली जा सकती है कि बौखलाहट है। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता। राजेश, जिस तरह से खबर आ रही है और पल पल समीकरण बदल रहे हैं, उसमें रोहिणी आचार्य का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर सामने आया है। बिल्कुल आपने सही कहा संतोष की, क्योंकि जिस तरह से जो सियासी हलचल का खासतौर से सूबे के अंदर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता की जो बागडोर है वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने हाथों से बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि आपने देखा होगा कि संपत्ति विवाद से जुड़े उनके परिवार के तमाम सदस्यों पर कहीं ना कहीं आरोप लग चुके हैं, और उसमें मात्र एक रोहिणी आचार्य है जिन पर किसी भी तरह का कोई विवाद अभी अब तक नहीं खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच वो गंभीरता से इस नाम पर विचार कर रहे हैं, ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि महागठबंधन जो है वो एक अटूट है, किसी भी कारणवश महागठबंधन में कोई दरार ना आए इसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और शायद यही वजह है कि जो आरजेडी के अंदर जो तमाम जो मंत्रिमंडल में जो उनके वरिष्ठ सदस्य जो सीनियर सदस्य हैं वो लगातार एक चट्टान की तरह वो खड़े हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनके कद को भी बढ़ाने पर एक विचार किया जा रहा है। एक दो ऐसे नाम है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी बात की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता तलाशने के लिए रोहिणी आचार्य का जो नाम है उस पर खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गंभीरता से विचार कर रहे हैं, ताकि ये जो महागठबंधन है वो एक चट्टान की तरह एकजुट रहे, इसका एक संकेत देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 27 अगस्त को उन्होंने पहले ही रैली का आगाज कर चुके हैं। जी संतोष, 27 अगस्त की रैली से जेडीयू ने अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन इस बीच अगर इस पूरी लड़ाई में बैकफुट पर अगर आरजेडी आती है तो महागठबंधन पर इसका कितना असर पड़ेगा? आपने बिल्कुल सही कहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा जो इस वक्त सहकारिता मंत्री हैं आलोक मेहता, उनके ऊपर भी अहम जिम्मेदारी है, लेकिन इस फेरबदल का महागठबंधन पर संकेत क्या हो सकता है? राजेश, देखिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इससे पहले भी कई बार उन्होंने ये हवाला एक खबर दे चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि ये आरजेडी का अंदरूनी मामला है, उनका जो एक गठबंधन है एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत गठबंधन है, ताकि जो समाज के जो अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उन्हें विकास की कड़ी से कैसे जोड़ा जाए, गुड गवर्नेंस की वो बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो उनका जो प्राथमिकता है वो सूबे का विकास की प्राथमिकता है। हाँ, ये बात सही है कि आरजेडी उस गठबंधन में शामिल है और सरकार में शामिल है। ऐसे स्थिति में जो महागठबंधन है उसकी मुखिया खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्हें ये कतई जो सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है उन्हें इस मसले को लेकर कोई मलाल नहीं हो सकता, इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच का एक रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी ने खुद बातचीत की थी फोन से कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के पद को लेकर। ऐसी स्थिति में सूबे के अंदर जो एक सियासी हलचल है इसके बीच एक मध्यम एक मार्ग की तलाश की जा रही है, ताकि ये मामला फिलहाल शांत हो जाए, और चूंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से तेजस्वी पर आरोप लगे हैं और वो आरोप साबित होते हैं तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक ऐसे नाम की बात की जा रही है ताकि ये फिलहाल जो मामला है जो एक बीच में, तो रोहिणी आचार्य इसके नाम पर सहमति बनाने की कोशिश है और इसमें कांग्रेस की भी इन्वॉल्वमेंट है। राजेश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।